आपने बड़ी खूबसूरती के साथ ये मुशायरा सुना, लेकिन अक्सर ये होता है कि अच्छा शायर निजामत के तले दब जाता है और ये होता है कि उसको सुना नहीं जाता या मुशायरे में इस तरीके से हुआ करता है। तो मैं जुनैद अशरफी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो आए और आपके चंद अशआर सुनाए। जनाबे जुनैद अशरफी साहब, शहीदों के नाम से तो मुनक्किद है। जलगांव महाराष्ट्र से चलकर तशरीफ लाए मेरे अजीज दोस्त जनाब ज़ुबैर काबिल साहब, जनाब सलीम चौहान साहब, इरशाद आरजी सुल्तान पुरी साहब, शबी बगेटवी साहब, अर्शदा गजनवी साहब और मेरे दोस्त साउथ भाई छोटे भाई ने बताया। तो ये अभी धीरे धीरे आ रहे हैं आप, ऐसे होगा तो बस हो गई नमाज मुसल्ला उठाई। पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर ये बड़ी आला की कमी वाली कि हर तुम्हें काश मैं रिश्ते मिला दी जाए, सुनाऊंगा हर तुम्हें काश मैं रिश्ते मिला दी जाए, इससे पहले तुम्हें रूह मिला दी जाए, कोई भी नक्स चमक नक्स नहीं हो सकता, गर वजह इसकी सरे मर्जी मानी जाए। आइए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी दो तीन शेर एक गजल के दो तीन शेर एक गजल के लिए बढ़ता हूँ। अवने खतुमाली यार होना चाहिए, अवने अवयाने खत खाले यार होना चाहिए, अवयाने खत खाले यार होना चाहिए, यार रुखसार होना चाहिए, बरगुल को दे सही कि फिर रहा है दर बदर खाला बदोशों की तरह, फिर रहा है दर बदर खाला बदोशों की तरह, फिर रहा है दर बदर खाला बदोशों की तरह, खाला बदोशों की तरह वो जिसने इस मुल्क का सरदार होना, वो जिसने इस मुल्क का सरदार होना चाहिए। और दोस्तों, ये जो एक मौसम आया हुआ है हमारे मुल्क पर जिनके बादल मंडरा रहे हैं, जो कलमकार होता है जो सहाफ़ी होते हैं बात बड़े सलीके से कहते हैं, अगर बात मैंने कह दी हो तो आप भी लोगों को समझ दीजिएगा
कि इंकलाब पे नौ की आमद के है चर्चे दोस्तों सुना सुन Yeah.
जब किसी खास